से देखने को मिलता है। सो एकदम रेंज वाला जगह जिसको बोलते हैं ना भाई, वो यही एकदम रेंज वाला जगह। इस जगह को अगर रेंज में ले लेगा ना तो मजा आ जाएगा। तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं एडवेंचर करने। आप लोग देख सकते हैं पीछे सिर्फ जंगल ही जंगल है। तो आप सोच रहे हो क्या हम जा कहाँ रहे हैं, तो ब्रो वो अभी आप लोग को बाद में मालूम चलेगा कि वो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए हम आप लोग को जंगल के अंदर लेके चलते हैं। और यहाँ का जो रोड जो है ना ब्रो, कुछ गड़बड़ वाला रोड है, समझ रहे हो ना। तो हम अभी आप लोग को लेके चलेंगे इसी रोड के अंदर। तो चलिए आप लोग को लेके चलते इस रोड के अंदर, फिर मिलते हैं। फिर समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो अभी आप लोग जैसे देख सकते हैं कि हम लोग जंगल में एंट्री। अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का जो रोड जो है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस एडवेंचरस मिलेगा। इतना एडवेंचरस है ना ये रोड में भाई। अभी यहाँ पर जो देख रहे हैं, अभी आगे और भी एडवेंचर है। तो हम अभी आगे आप लोग को और भी आगे लेके चलेंगे। और अभी हम लोग आए थे ना यहाँ पे, तो एक हिरन भी मिला। तो हम लोग जैसे आ रहे थे रास्ता, लोग जैसे देख सकते हैं कि हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है वो आप लोग देख सकते हैं कि कोई टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है। मतलब देख रहे हैं आप लोग इधर का रास्ता, मतलब जा रहे हैं और देखिए पूरा एडवेंचर प्लेस है। यहाँ का टर्निंग एकदम ऑन द स्पॉट एट द टर्निंग हम लोग ले रहे हैं। और ये जो रास्ता है भाई एकदम जंगल में, मतलब अगर देखा या फिर देखिए चढ़ा, ये जो जगह है भाई फुल्ली एकदम एडवेंचर जगह। फिर आगे से देखेगा एक जबरदस्त टर्निंग आपको देखने को मिलेगा। और फिर हम अभी आप लोग को लेक चलेंगे, एक ऐसा जगह जो हम आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे भाई कि यहाँ से कैसा दिखता है। जैसे आप लोग यहाँ से वैसे कुछ मालूम है दिख नहीं रहा वैसा साहब, वैसे हम आप लोग को दिखाएंगे कि भाई देखो अगर हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं तो ऐसा तो कोई जगह होगा ही जहाँ से पूरा कैप्चर करता होगा जगह एकदम नज़ारा। तो हम आप लोग को वहीं पर लेके चलते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया पहनने जाना है, बाय। वो है अभी आप लोग को हम दिखाते हैं यहाँ से, ये जो पहाड़ी का एडवेंचर में जो हम लोग आए हैं, हम आपको यहाँ से इसका नजारा दिखाएंगे कि आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ से कितना मस्त नज़ारा लग रहा है। उधर सिर्फ जंगल ही जंगल। और अगर आप लोग अगर देख सकते हैं नीचे, नीचे तो लगता है इसका ग्राउंड लेवल ही नहीं है। और उधर आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा है इधर। और इधर से अभी हम लोग आए और अभी हम लोग को जाना है। तो उधर देख सकते, इधर चारों तरफ ही अभी एडवेंचर प्लेस ही आप लोग को देखने को मिलेगा, एकदम पूरा फुल टू फुल एडवेंचर। हम लोग ये जो जगह पे है ना भाई, इस ये जो जगह है वो इस एरिया का एकदम टॉप जगह है। ये जो आप जगह जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये एकदम इस एरिया का सबसे टॉप। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। जहाँ पर अभी हम खड़ा है वो इस एरिया का जहाँ हम लोग जा रहे हैं सबसे टॉप जगह यहीं पर है। और यहाँ के बाद से अभी हम लोग जब जाएंगे नीचे तो फिर हम लोग जहाँ जा रहे हैं वही है। तो आप लोग को हम दिखाते हैं यहाँ का एक और एडवेंचर सीन जो अभी आप लोग पीछे देख सकते हैं। और जैसे आप लोग देख सकते हैं पीछे तरफ कितना शानदार। और अभी आप लोग उधर भी देख सकते हैं कि इधर चारों तरफ ही सिर्फ नज़ारा ही नज़ारा आप लोग को देखने को मिलेगा सिर्फ एकदम। तो हम आप लोग से आगे में मिलते हैं फिर। रुको जरा, सबर करो। देख सकते हैं कि हम लोग जो जगह में है भाई सिर्फ एडवेंचर ही एडवेंचर देखने को मिलता है। मतलब चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है भाई। और इधर आप लोग देख सकते हैं इधर लड़का लोग भी आया हुआ है और अभी हम लोग भी जाएंगे। तो हम लोग को भी और आगे भी जाना है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं कि यहाँ का लोकेशन काफ़ी शानदार है। तो चलिए आप लोग को आगे जाकर मिलते हैं फिर। देख सकते हैं कि हम लोग को जहाँ पहुँचना था वृंदा वाटरफॉल, तो हम लोग आ गए। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं काफ़ी लोग आते जाते हैं। वैसे सबको जैसे बोलता है ब्लॉग में कि यहाँ फोर व्हीलर नहीं आ सकता है, तो उन लोग के लिए भी कि देख लें यहाँ सब कुछ आ सकता है, लेकिन कोई चाहता नहीं है। तो अभी हम आप लोग को लेक चलेंगे अंदर जो वृंदा का वाटरफॉल है। तो चलिए आप लोग को लेक चलते हैं फिर अंदर। तो चलिए अंदर फिर लेक चलते हैं। बोल देगा कुछ
तो अभी आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ये हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं, यहाँ का जो आप लोकेशन देख सकते हैं काफ़ी। और अभी हम आप लोग को यहाँ से धारा दिखाएंगे, अगर दिख पाएगा तो आप लोग यहाँ से, जैसे आप लोग इधर से देख सकते हैं कि अगर दिख पाएगा तो आप लोग वो धारा देख सकते हैं। तो अभी हम लोग वहीं पर जाएंगे, तो वो जो आप धारा देख रहे हैं यहाँ पे वही है वृंदावन वाटरफॉल। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं अंदर, फिर इस बार कोई मजाक नहीं ब्रो, चलो। देख सकते हैं कि हम लोग फाइनली वृंदावन पहुँच गए हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ का सुंदरता काफ़ी शानदार दिखता है। यहाँ का सुंदरता जो है ना भाई, मतलब क्या बोल सकते हैं। मेरा जितना भी था, मेरा जो सब्सक्राइबर लोग, उन लोग बोला कि भाई तुम जितना भी वीडियो बनाता है सारा डैम का ही बनाता है भाई, कुछ अलग बनाओ। तो ब्रो आज हम आप लोग के लिए कुछ अलग जगह ही लेके आए, और इससे अलग क्या हो सकता है जगह, अब आप ही लोग कमेंट में ज़रूर बताओ। इतना मस्त जगह आए हुए भाई, हम लोग तो खोज में आ गए कि आखिर ये जो पानी जो आता है वो आता कहाँ से है। अगर किसी को मालूम है तो उन लोग कमेंट में ज़रूर बताना ब्रो कि यहाँ का पानी कहाँ से आता है। और आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ का माहौल चारों तरफ, एक बार जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ का किस तरह का एकदम नज़ारा जो यहाँ से दिखता है पूरा, मतलब चारों तरफ। और आप लोग इधर भी देख सकते हैं, इधर का जो है काफ़ी, मतलब ये जो जगह है जो काफ़ी एकदम शानदार जगह है। तो चलिए आप लोग को हम एक बार सामने तरफ लेके चलते हैं फिर एकदम शानदार तरीका से। और आप लोग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ का जो पानी है वो देखने में कितना बवाल लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे बाहुबली का मूवी शूटिंग हो रहा है यहाँ। तो चलिए हम आप लोग को लेके चलते हैं यहाँ का पानी की तरफ। और यहाँ का पानी उधर तो लगता है शायद उधर गड्ढा होगा, लेकिन उधर हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि पानी में तो हमको जैसे खुद डर लगता है इधर का, जैसे हम लोग जानते नहीं हैं और हम इधर बस ब्लॉगिंग करते हैं, हमको इधर से जैसे क्या उतना ही सब में हम उतना रिस्क नहीं लेते हैं। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं काफ़ी शानदार जगह है यहाँ से, जो कि आप ऊपर से आपको जो यहाँ से देखने को मिलता है सो एकदम रेंज वाला जगह जिसको बोलते हैं ना भाई, वो यही एकदम रेंज वाला जगह। इस जगह को अगर रेंज में ले लेगा ना तो मज़ा आ जाएगा। तो ये जो आप तो देखते ही है वृंदावन का यहाँ का वाटरफॉल, जो कि यहाँ पर सब लोग आते नहीं हैं, तो हमको बोला भाई कुछ अलग वीडियो बनाओ, तुम्हारा ब्लॉग कुछ हट के नहीं रहता है। तो बोले कि ठीक है, अगला इस बार का जो वीडियो आएगा वो कुछ हट के ही आएगा। तो यहाँ का जो वृंदावन है, यहाँ पर लोग जैसे घूमने के लिए भी आते हैं बहुत दूर दूर से। हम भी जैसे आए हैं तो हम भी जैसे पहले बिहार में ही रहते हैं, अब झारखंड में भी, तो एक तरह से हम भी बोल सकते हैं कि हम भी काफ़ी दूर से ही आए हैं। और यहाँ के लोग भी जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी ये सब भी सबको लेकर आ जाता है, तो कोई वैसा रिस्क वाला बात नहीं है। और यहाँ का जो रास्ता का जो है सीढ़ी ये सब सारा कुछ मतलब बन गया है, जैसे यहाँ का सीढ़ी आप लोग जैसे मेरा ब्लॉग में देखे कि यहाँ का जो सीढ़ी ये सब था पूरा मतलब कम्प्लीट हो गया। और यहाँ का जो ये है वाटरफॉल, हमको तो सबको बोल रहा था कि यहाँ का पानी ये सब लगता ही नहीं होगा, बोले अरे यार चलो तो जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ का जो वृंदावन वाटरफॉल है कितना शानदार नज़ारा दिखता है। अगर किसी को अगर कुछ पूछना है इसके बारे में कि इसका रास्ता कहाँ से है कैसा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में या हमको मैसेज कर सकते हैं जिस तरह से भी। और अगर आप लोग अबाउट में जाएंगे तो वहाँ मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए आज आपका ब्लॉग वृंदावन के साथ आज हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।